वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट इज अवर स्कूल्स यूट्यूब चैनल। सो अगेन वी आर रेडी विद टुडेज वीडियो। दिस वीडियो इज फॉर क्लास 9th एंड द सब्जेक्ट इज साइंस एंड वी आर कंटिन्यूइंग द सेम चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो इन द एक्सरसाइज 3 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। सो वी विल डिस्कस दीज 3 क्वेश्चंस टुडे ओनली, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 16। दीज क्वेश्चंस आर गिवन ऑन द पेज नंबर 129। इन दिस क्वेश्चन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 किलोग्राम, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन 100 किलोग्राम, एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड द फाइनल वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन, इट इज एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली इन 6 सेकेंड। सो टाइम इज ऑल्सो गिवन सेकेंड्स। इनिशियल मोमेंटम पी आई मीन्स इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू एम यू, दैट इज मास इज 100 किलोग्राम एंड यू इज 5, दैट इज 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। पी फाइनल इज इक्वल टू एम वी, दैट इज एम इज 100 इंटू 8, दैट इज 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फोर्स एक्सर्टेड विल बी इक्वल्स टू मीन्स एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, दैट इज मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज 800 माइनस 500 अपॉन 6, दैट इज 300 अपॉन 6, दैट इज 50 न्यूटन। 50 न्यूटन विल बी द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। एट द सेम टाइम वी आर सपोज डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 7। अख्तर, किरण एंड राहुल वर राइडिंग इन अ मोटर कार दैट वॉज मूविंग विद अ हाई वेलोसिटी ऑन एन एक्सप्रेस वे वैन एन इंसेक्ट। दिस इज द थ्योरेटिकल क्वेश्चन विच वी आर सपोज टू डिस्कस वैन वी आर हैविंग द रेगुलर क्लासेस। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज दैट, इन दैट हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बेल ऑफ मास 10 किलोग्राम। सो मास ऑफ द डम्बेल इज 10 किलोग्राम ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट्स फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। मीन्स डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज 80 सेंटीमीटर। Takes its downward acceleration to be 10 meter per second square. 10 meter per second square. If a dumbbell is falling from the height of 80 centimeters, what is the momentum transferred to the ground? Momentum transferred will be mv. So v will be here, it is initially at rest, means u is equals to 0. So we are having the third equation of motion. We know what we know, that 2as is equals to v square minus u square. From here v square will be u square plus 2as. So from here we can calculate v square, u is 0 plus 2 into a is 10 and the distance covered will be converted into meters, 0.8 meters. So v square will be, that is 0 to 10 20 into 0.8, v square will be 16 and v will be 4. So the momentum transferred, that will be mv and p will be, m is given 10 and v is 4, that is 40 kilogram meter per second will be the momentum transferred from by the ball to the
ground. So like this we are supposed to proceed. One question is remaining, that is of the theoretical type only. We will discuss that question whenever our school reopens. But at the meantime, the remaining all the questions, in-text question and the questions given at the end of the chapter in the exercise, we have completed. I hope that you have understood and you are supposed to repeat all the questions, and you are supposed to take the pick of that, and you are supposed to upload on the school's WhatsApp number so that we can assess that how many students are getting benefited from or by the online classes. At the same time, if you are having any confusion, any doubt, then you can message us or you can even call us so that we can rectify your doubts by any of the means, and you can easily solve the questions given in your textbook. Thank you. Thank you very much.